A special guided visualization for your success in speaking English journey by Zero to Hero coach Mayur Soni. Friends, please follow all the guidelines properly. सबसे पहला विजुलाइजेशन करवा माटे जो तमे चश्मा पहरिया होए अथवा कोई पण वजन वाली वस्तु तमे बाजू में मुकी शको छो तमारा खिस्सा में हाथ में कोईपण रीतनु वजन न होव जोईए। तमे खुर्सी पर बैठा छो तो सीधा बेसी सको छो। तमारो कमर नो भाग सीधो होवो जरूरी छे। तमारा बन्ने हाथ तमे घूंटण पर राखी सको छो। तमे नीचे जमीन पर बैठा हो तो तमारे आसन लेवु आवश्यक छे। ध्यान मुद्रानी अंदर कमर सीधी रहे ते रीते बैसी अने तमे विजुअलाइजेशन करी शको छो। फॉर बेटर एक्सपीरियंस तमे हेडफोन नो यूज करी शको छो। जस्ट ट्राई टू फील माय वॉइस। टेक अ डीप ब्रेथ। एक ऊंडो श्वास लो। तमारा श्वास ने धीरे रे छोड़ता तमारी बन्ने आँखों बंद करो। तमारू संपूर्ण ध्यान तमारा श्वास पर होवू जोईए। श्वास अंदर जाए छे बाहर आवे छे। धीमो अने ऊंडो श्वास। तमारू संपूर्ण ध्यान तमारा श्वास पर होवू जोईए। तमारा पग घूंटण साथळ कमर खभा हाथ मस्तिष्क आँखो शरीर नु दरेक अंग धीरे धीरे रिलैक्स थई रह्यु छे। तमारे विजुलाइज करवानु छे के तमे 10 पायदान वाली एक सीढ़ी पर उभा छो। धीरे धीरे हूँ 10 થી 1 गणीस एटले तमे नॉर्मल मोड में थी आल्फा स्टेट में जसो। आल्फा स्टेट में विजुलाइज करेली दरेक घटना 100% साची निवड़े छे। तमारू संपूर्ण ध्यान तमारा श्वास पर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 तमे संपूर्णपणे आल्फा स्टेट में छो। आल्फा स्टेट में मनोचित्रण करेली दरेक घटना 100% साची निवड़े छे। तमारे विजुलाइज करवानु छे के तमे एक खूब ज मोटा स्टेज पर माइक लही अने लोको साथे अंग्रेजी में संवाद करी रह्या छो। तमे खूब ज आत्मविश्वास थी तमारी स्पीच आपी रह्या छो। लोको तमने खूब ज ध्यान थी सांभळी रह्या छे। तमने अंग्रेजी बोलवामां खूब ज सरलता नो अनुभव थई रह्यो छे। तमे तमारी मातृभाषानी जेम ज अंग्रेजी भाषानो उपयोग करवा माटे सक्षम छो। तमारी स्पीच पछी घणा बधा लोको तमने सामेथी आवीने मळी रह्या छे। तेओ तमारी स्पीचना वखाण करी रह्या छे। तमे तमारा चेहरा परनी स्माइल फील करी शको छो। तमारी जॉब
બિઝનેસ, સ્ટડી, દરેક ક્ષેત્રમાં અંગ્રેજીને લઈ અને થતી દરેક સમસ્યાનું સંપૂર્ણપણે નિવારણ થઈ ગયું છે। તમે હવે ખૂબ જ આત્મવિશ્વાસપૂર્ણ થઈ અંગ્રેજીમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ સાથે વાતચીત કરી શકો છો। તમે એકદમ આત્મવિશ્વાસથી ભરપૂર છો। તમારા જીવનમાં આ ભાષાને લઈ અને ઘણી બધી તકો તમને મળી રહી છે। તમે તમારા જીવનની અંદર ખૂબ જ પ્રગતિ કરી રહ્યા છો અને ખૂબ જ આગળ વધી રહ્યા છો। ફરી એકવાર હું 1-10 ગણીશ, એટલે તમારે આલ્ફા સ્ટેટમાંથી નોર્મલ સ્ટેટમાં આવવાનું છે। મારા 1-10 ગણતા તમે આ 10 પાયદાનવાળી સીડી ચડશો। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 મારા 10 કહેતા બંને હાથની હથેળીઓ ખસી અને આંખ પર લગાવવાની છે। 10 ધીરે રહી આંખો ખોલવાની છે। આ વિઝ્યુલાઇઝેશનને મોર્નિંગમાં સવારે અને રાત્રે સૂતા પહેલાં કરી શકો છો અને તમે તમારી જર્નીમાં ખૂબ જ ઝડપી આગળ વધી અને સફળતા મેળવી શકશો। વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ, થેન્ક્સ અ લોટ।